इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी उद्धव ठाकरे के लिए लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की गई है। बड़ी बातें आपको बताते हैं क्या कुछ कहा गया। उन्होंने सबसे पहले खुशी जाहिर की कि कल वर्षा बंगले पर जो भीड़ इकट्ठी हुई उसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने अपना गम भी जाहिर किया, अपना दुख जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस लगातार हमारा अपमान कर रहे थे। हम अगर ठाकरे परिवार से मिलना चाहते थे, अगर हम उद्धव ठाकरे से सीधा मिलना चाहते थे, उनके बंगले जाना चाहते थे, तो हमें मिलने नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो आखिर हमें क्यों रोका गया। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो कही गई हैं उनकी तरफ से। तो कल वर्षा बंगले के, ये देखिए आपको बताते चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया। उन्होंने कहा कल वर्षा बंगले के दरवाजे पर सचमुच जनता के लिए खोल दिए गए बंगले पर भीड़ देखकर खुशी जाहिर हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। ये बातें जो है कही गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। आप ऐसे में समझिए लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे। यूक्रेन